बताते हैं प्रातः काल कैसे उठना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माता। प्रातः काल उठ करके अपने दोनों हाथों के दर्शन करना चाहिए। ध्यान से सुन लो जितने विद्यार्थी हैं, सुबह से उठकर सबसे पहले चाय ना मंगाओ, आगे के लगे परे परे चाय बन गई, दो दो बेर कई बेर चाय ठंडी हो जाए, तीसरी बेर फिर बना, तिनसे तो रामा ही बचाए। पहले के जमाने में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आज के जमाने में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा ठीक है, पर प्रभाते कप दर्शनम। हाँ, आज के जमाने में महाराज जी चाय ही को चलन है, चाय पीना बेकार नहीं है, हम भी पीते हैं, ये ना समझियो कि बेकार है, ना 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 बहुत अच्छी है, पियो, जो नहीं पी रहे बिना पियो, क्योंकि ये भी एक बुरी आदत है। अब हम पीते हैं तो पीते हैं, करें क्या, हम तो इतनी पीते हैं कि जब लोग 20-25 ना हो तब तक जो लगन लगे हड़ताल है क्या आज, हाँ 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 लगने लगता हड़ताल है। अब पीते सो तो ठीक है, हमारे दादा गुरु ने तो चाय पे श्लोक ही बना दो, केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रतम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडकाय नमो नमः। श्लोक ही बन गो। और बाबा आए तो हमें याद आ गई, पूज्य ललितपुर में हम बापू जी बैठे थे, मुरारी बापू, पूज्य श्री मुरारी बापू, उनकी कथा में गए तो चाय ही पे चर्चा चल गई, तो चाय है ही हमारा महाराज, चाय नहीं तो चाह नहीं। हाँ, हमारे जीवन में तुम लोग मत जो नहीं पीते वो मत पीना के गुरु जी पीते हैं तो चाय पीने से बढ़िया हो जाता है, नहीं हम चाय पीते हम जानते हैं डेढ़ रोटी नहीं खबरता। हाँ, चाय से भूख शांत होती है, हम तो इसलिए पीते हैं कि रातों भर हमें जगना होता है, निद्रा ना आवे तो थोड़ी सी दो घूंट चाय ले लेते हैं, आनंद आ जाता है, थोड़ा कड़क हो अदरक फदरक डला हो फिर तो क्या कहना। हाँ, विचित्र बात तो ये है कि लंदन में 3 दिना तो हम चाय ढूंढते रहे। हाँ, जब लंदन गए होते बाद चाय मिले तो आग ही लगी मिल जाए उनसे ही, बिस्कुट सी डाल दें, बोले ये घोरो भाई ऐसी लगे कि कोई कुल्ला लो ना करे। हाँ हाँ, पानी गरम करो उमे वो डाल दो, अब वो घुमाओ ऐसे ऊपर नीचे करो, वे बताओ वे डुबकी दबाओ, बुड़की जैसी लगवाओ मकर संक्रांति सी, वो करवा भी दो का कहो जा तुम्हे हैं। अरे नहीं नहीं ग्रीन टी नहीं है वो जो टी बैग, हाँ बैग बैग टी बैग, या Absolutely right. Very good man you. What's your name? Please. Wow. Thank you. Sit down. I speak in English, but I cannot speak in English. चाय हम समझा रहे थे साथ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कप दर्शनम। प्रभात कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थियों को कथा सुना रहे थे, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो सुनो, प्रातः काल सूर्य उदय तक सोने वाला विद्यार्थी की याददाश्त कमजोर होती है। हाँ, सुन लो, जो विद्यार्थी सूर्य उदय के बाद तक सोता है उसकी याददाश्त कमजोर होती है, जो विद्यार्थी दिन चढ़े तक सोता है उसकी आयु कम होती है। कोई रात बिरात काम कर लिया तो कोई बात नहीं, कम से कम 4 बजे नहीं तो 5 बजे हर हाल में उठ जाना चाहिए,
उठ जाना, बिस्तर त्याग दो, 5 बजे बिस्तर त्याग दो, और बिस्तर पर पड़े पड़े चाय मत चिल्लाओ। सीताराम कहो, पहले के जमाने में प्रातः काल होती थी, माता पिता को मन ही मन प्रणाम कर, धरती को प्रणाम करते थे लोग। हमने तो गांव में देखा है, हमारी माताजी पिताजी, हमने अनुभव किया, पिताजी सोकर उठते तो धरती के पांव पड़ते थे, आदत थी उनकी, आज भी है, धरती को प्रणाम करते, भूमि को प्रणाम करो, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को दर्शन, सूर्य भगवान को अर्घ दो, इसके बाद में आप जो कार्य करते हो वो करो। लेकिन मेरे पागलो, हम आप इतने विचित्र हैं कि 10 बजे जब तक सूर्य भगवान स्वयं जगा उतना आ जाए कि भाई साहब उठ जाओ हम आ गए, तब लो नींद ही नहीं खुलत। जब भाई साहब खिड़की में हो भीतर घुसे आए तब पतो लगा, अरे सवेरोवा हो गो, हे नाक कटा, सवेरो हो गो के 10 बज गए। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम, जो विद्यार्थी माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी विद्या बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ जाता है, उसका बल बढ़ जाता है। आयुर्विद्या यशोबलम, चत्वारि तस्य वर्ध्यन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो माता पिता या संतों को प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी आयु यश विद्या और बल बढ़ जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो सीताराम। और प्रणाम करने आजकल, लेकिन जो अंग्रेजी ने प्राण खा ले हमारे, तो अंग्रेजी में पिताजी नहीं कहा, डैड, मॉम, हाँ मॉम नहीं, मम्मी। अब आगे लगी जब मम्मी चली, मम्मी, हाओ हाओ, भगवान बचाए, मम्मी। हमें तो टेंशन हो रही आगे चल के अंग्रेजी अगर ज्यादा ओवर हो गई तो ये बाल बच्चे हनुमान जी के सामने जाएंगे और कहेंगे, हेलो हनु, हाउ आर यू। प्राण खा लिए अंग्रेजी ने, प्राण खा ले हमारे तो, सच कह रहे, कुशल है कि तंतन अंग्रेजी हमें आउन लगी, नहीं तो हम तो पागल ही बने रहते ही जमाने में। अब हमें टेंशन, अंग्रेजी में सब शॉर्ट में होता है तो श्री हनुमान जी के तो कहेंगे नहीं, अंग्रेजी में शॉर्ट में कहेंगे हेलो हनु, और कहूं एक थैया उनने रपेड़ा। कहूं उनने पूछा ही लगा दही, तो ना धरती के बचने ना आसमान के। बोलो सीताराम। पाश्चात संस्कृति को सुनो, अंग्रेजी अध्ययन के लिए जरूर पढ़ो, पर जीवन में स्वप्न में भी अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। और जितने माता पिता बैठे हैं यहां पर, बच्चों के माता पिताओं से निवेदन है, आप बचपन से ही अपने बच्चों को कथाएं सुनवाना और प्रतिदिन रामायण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू जरूर करवा दो। रामचरितमानस गायब हो गई घरों से, दुर्भाग्य है भारत का, रामायण गायब हो गई घरों से। अब रामचरितमानस दीपावली की दीपावली निकाली जाती, बच्चों को रामचरितमानस के बारे में पता नहीं, ये दुर्भाग्य है भारत का। हम सनातनियों से कहेंगे, अरे जब किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहे हैं कितनी अच्छी बात है, दूसरे धर्म के लोग मस्तक पर टोपी लगा करके चलते उन्हें कोई शर्म नहीं है, और धर्म के लोग गले में क्रॉस पहन करके चलते उन्हें कोई शर्म नहीं है, तो मैं रामायण पढ़ने में, जय श्री राम बोलने में, मंगल शनिवार मंदिर जाने में फिर शर्म क्यों है। अन्य धर्मों से ही शिक्षा लो, दूसरे धर्म के लोग अपने बच्चों को
धर्म की शिक्षा देने के लिए अलग से ट्यूशन।